हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चावल से एक बढ़िया सा रेसिपी बनाएंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले एक कप चावल का आटा ले लेंगे, उसके बाद दो पीस बटर ले लेंगे, और थोड़ा थोड़ा गरम दूध डाल के इसका एक डो बना लेंगे। डो बन जाने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर स्मॉल साइज का सिलेंडर शेप देख के इस तरह से बनाएंगे। सारे बन चुका है। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद सारे पीसेस को डाल लेंगे और ध्यान रखेंगे गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसको पलटेंगे, नहीं तो चारों तरफ से फ्राई नहीं हो पाएगा। अब ये कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हाफ कप गुड़ डाल लेंगे और दो चम्मच पानी डाल लेंगे। उसके बाद गुड़ को मेल्ट करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम थोड़ा सा एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा गुड़ डाल के देखेंगे। यहाँ पे गुड़ पानी में मिक्स हो रहा है तो ये हमारा रेडी अभी नहीं हुआ है। थोड़ी देर फिर से करेंगे। अब यहाँ पे गुड़ पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है तो ये हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हम इस पे फ्राइड करके रखा हुआ चावल पीसेस को डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। जब तक गुड़ पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक हमें ये प्रोसेस जारी रखना होगा। अब गुड़ सूख चुका है, अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल के अलग अलग करके रखेंगे, नहीं तो आपस में चिपक जाएगा। कैसे लगा ये रेसिपी आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।